ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरी बहू, लगता है माँ जी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। ओए सुन तो। अरे छोड़ो माँ को, माँ को कोई काम भी है, हमें तो बुलाते रहती है। सब कुछ छोड़ के मेरी बाहू में चली। ऐसी बातें कर रहे हो, ये छत है और आप अपनी माँ को जानते हो ना, मेरी जान ले लेंगी। मैं जाती हूँ। अरे रब तो सही मेरी रानी। अरे फिरोज बाबूजी आया। महारानी क्या कर रही थी छत पे इतनी देर से? माँ जी कपड़े सुखाने डाल रही थी। तो आ क्यों गई? सारा दिन वहीं रहती और कपड़े सुखाने के बाद प्रेस भी वहीं कर लेती। ऐसी बातें कर रही हो माँ जी, मैं बस कपड़े डालने गई थी छत पर, बहुत ज्यादा कपड़े थे इसीलिए देर हो गई। एक तो गलती की, ऊपर से जबान जोरी कर रही है। तुम आजकल की बहुओं को मैं अच्छी तरह जानू, जरा सा मौका मिला ना और लगी गुलछर्रे उड़ाने। अब देख क्या रही है, पानी गरम करके ला दे, कब से दवा लेके बैठी हूँ। अरे ओ भाग्यवान, क्यों बहू के पीछे पड़ी रहे? अरे इतना काम तो तू खुद भी कर लेती। हाँ इसका तो अचार पड़ेगा। देखो जी एक बात कह देती हूँ, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे ओ डुकरिया, क्यों अपना बढ़ापा खराब करने फिर है? अरे लाखों में एक है हमारी बहू। अजी के ठिकाने, अरे तू खड़ी खड़ी तमाशा देखेगी या पानी ला रही है? अरे जा बेटा ला दे इसे पानी, वरना ये डुकरिया अपनी आग में जल के मर जाएगी। और हाँ बेटा एक बढ़िया सी चाय पिला दे। जी बाबूजी अभी ले। हाँ माँ यहाँ सब ठीक है और सब मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। आप आ जाओ ना कभी घूमने के लिए। और भैया आई मर गई। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। माँ जी कैसे गिर गई आप? अरे बहू पैर फिसल गया पैर। कितनी कीचड़ है बाहर, साफ नहीं कर सकती, हमेशा फोन में ही घुसी रहती है। माँ जी बाहर तो सब सूखा है, रोज तो साफ करती हूँ। मतलब हम जानबूझकर गिर गए? अरे माँ क्या हुआ, कौन गिर गया? अरे सालू तुम्हारा कहीं चोट तो नहीं आई? वाह बेटा गिरी माँ है और चोट तेरी लुगाई को आ गई। अच्छा सिला दिया है तूने मेरी परवरिश का। अरे माँ तुम्हारी चोट लग गई? कहाँ कैसे? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, किसी से क्या कहना, ना ये कलमुही बाहर कीचड़ करती ना मैं फिसल के गिरती। कीचड़? अरे माँ बाहर तो सूखा है, फिसल कैसे गई? हाँ अब तो तू भी इसी की जुबान बोलेगा, सब कुछ ये ही है तेरी। हट पीछे जुआन मरे, ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छी थी। कलमुई तुझे एक दिन सीधा ना कर दिया ना तो मैं भी तेरी सास नहीं। एक बात बताइए, माँ जी के लिए मैं कितने भी कुछ कर लूँ वो हमेशा मुझे बुरा ही कहती हैं। अरे मेरी सालू तू क्यों बुरा मानती है, माँ की तो आदत ही ऐसी है। पर हर वक्त की चिक चिक भी तो ठीक नहीं है ना। सो तो है, पर तू देखना एक दिन माँ तेरे ही गुणगान गाएगी, बस तू अपनी अच्छाई मत छोड़ना। सही कहा बेटा, लाखों में एक है मेरी बहू, सकल से भी और अकल से भी। और मैं कैसी हूँ जी? आथू।
कैसी हूँ जी? अरे तेरी शकल ऐसी जैसे जलावा गुड़। 30 साल हो गए मुझे इस गुड़ का शरबत बनाते बनाते, शरबत तो ना बना, सिरका बन गया। इतने ही खरे थे तो छोड़ क्यों नहीं दिया मुझे? अगर मेरा बस चलता तो तलाक चप्पल पर रखकर तेरे मुंह पे इतनी जोर से मारता तेरा मुंह ककड़ी जैसा हो जाता। ओ बहू जी, जी माँ जी। नमस्ते दादी माँ। जीती रहे जीती रहे। कहाँ है वो डुकरिया? ले डुकरिया माँ आ गई, बना देगी तेरा सन्नाटा। नमस्ते सासू माँ। पैर क्या तेरा बाप छुएगा? क्योंकि सास भी कभी बहू